पहली गेंद यहां पर तो यहां पर देखिए बाबू भाई बल्लेबाजी करने के लिए और पहले बल्लेबाजी करेंगे यहां पर। पांच ओवर का क्रिकेट हम इस समय देखते हुए अब यहाँ पर देखना होगा कि राजू भाई की गेंद, राजू भाई के लिए एक बड़ा संघर्ष होगा। ये मुकाबला किसी भी हालत में इनको जीतना पड़ेगा क्योंकि दो मुकाबले हार चुके हैं और इस मुकाबले के ऊपर सभी की निगाह होगी। शाम का सत्र अब कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। अगली गेंद फिर से एक बार राजू भाई, ओ अच्छी गेंद थी। यहां पर देखिए सिंगल की तरफ जाएंगे, पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक ट्रैवल हो और सिंगल के साथ अब यहां पर रन संख्या बढ़ती हुई। फील्डिंग करने वाली टीम अब अक्सा ये टीम को ये मुकाबला जीतना बहुत बहुत और बहुत जरूरी होगा क्योंकि शाम का सत्र हम देखते हैं, दोपहर का सत्र खत्म हो चुका है और सेकंड सत्र में हम इस के बारे में बात करेंगे। अच्छी गेंद यहां पर, हो कट जरूर था, बल्ले का बाहरी किनारा नहीं विकेट का, कीपर का सहारा और यहां पर कैच छूटा हुआ। कैच छूटा है, मैच ना छूटे और कैच बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार सिंगल की तरफ गए हैं, यहां पर एक ही रन मिलेगा। धीरे धीरे से मुकाबला अब आगे जाते हुआ और रिवर्स एटम करने का प्रयास। यहां पर देखिए अच्छी गेंद, अच्छा क्रिकेट इस बार देखिए। फिर से एक बार पहला मुकाबला इस समय ऑन होता हुआ, ओहो यहां पर देखिए विकेट गिरती हुई, क्लीन बोल्ड और डगआउट की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर हम देखेंगे तो बाबू भाई को अच्छी गेंद यहां पर राजू की। बैटिंग कौन कर रहा है टीम? एमके एंटरप्राइजेस 3 रन, पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। दूसरे ओवर के लिए यहां पर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गेंदबाज वसीम को, कासिम को। ओ यहां पर देखिए फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। यहां पर मिस फील्ड, सिंगल पूरा हुआ है और सिंगल पे ही यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा।
इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जय गुजरात नेटवर्क के माध्यम से आप दे सकते हो। कुमारशाला क्रिकेट मैदान वापी टाउन हम देख रहे हैं। स्कोरर में हमारे साथ बबलू बैठे हुए हैं, मनीजी निजाई और प्रतीक वहाँ पर देख रहे हैं कैमरामैन की भूमिका अदा करते हुए। वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग सेशन टू हम देख रहे हैं। ईद कप 2023 इस टूर्नामेंट के कर्ता कर्विता दिलीप भाई यादव जी, वसीम भाई बोगा जी, इनका सबका धन्यवाद दूंगा। अगली गेंद और यहाँ से गए पीछे गए सिंगल की तरफ जरूर जाते हुए, सिंगल यहाँ पर मिलती हुई। अच्छी शुरुआत जरूर नहीं है लेकिन सिंगल डबल लेना बहुत जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय, दोनों टीमों को इस मुकाबले को जीतना कंपलसरी है। ज़्यादा करके विशेष फील्डिंग करने वाली टीम जो दोनों मुकाबले ऑलरेडी हार चुकी है और इस मुकाबले में बहुत कुछ करना पड़ेगा। नेट रन रेट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगली गेंद, ओ यहां पर देखिए फिर से एक बार मिस कर दिया है। बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा के साथ गेंदबाजी आप देखोगे तो जैसे गेंद गिरी एक तेज रफ्तार की तरह निकल गई विकेट कीपर के हाथ में। लिबो सर हम देख रहे हैं यहाँ पर अंपायर की भूमिका, परेश सर कल हमने देखा। ओ यहाँ पर फुल टॉस और फुल टॉस के ऊपर यहाँ पर विकेट मिलती हुई, विकेट मिला है। इसके पीछे मुकाबला रोहित स्ट्राइकर्स और रॉयल स्ट्राइकर्स और हादिया ये टीम के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम के यहाँ पर दरखास्त है कि आप रेडी रहिए। तीसरा मैच सद्दाम और मिहिर वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। यह आज का दिन का शेड्यूल हम यहाँ पर बता रहे हैं जो दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जय गुजरात नेटवर्क के माध्यम से इस मुकाबले को हम देख रहे हैं और आप सभी देख रहे हैं वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग ईद कप 2023। और यहाँ पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए इमरान खान। इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक महत्वपूर्ण रोल इन्होंने भी यहाँ पर निभाया है, वो इमरान खान मैदान में। कल के दिन में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, दूसरे में थोड़ा सा नाखुश किया और अब तीसरे के लिए देखना है इमरान खान क्या करते हैं। ओ यहाँ पर देखिए सिंगल की तरफ जाएंगे, इमरान का रोल इस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राजू भाई की जो ओवर है ये भी महत्वपूर्ण होगी। दो ओवर का खेल पूरा हुआ है और दो ओवर के बाद रन संख्या 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहली बार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एमके इंटरप्राइजेस और एक तरफ देखते हैं अक्सा इंटरप्राइजेस, दो टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ। अक्सा रॉयल्स और अक्सा इंटरप्राइजेस हम देखते हैं। अक्सा रॉयल्स, राजू भाई फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर तैयार है और अपनी दूसरी ओवर इस समय डालते हुए टीम की हम देखेंगे तो तीसरी ओवर इस समय जारी है। अगली गेंद, ओ फुल टॉस गेंद थी, इस बार इमरान ने घुमा दिया है। सिंगल ही मिलेगा, सिंगल पे ही काम चलेगा, रुकने के लिए कह रहे कि रहने दो, सिंगल से ही काम चलेगा। सिंगल के 7 रन संख्या अब यहाँ पर बढ़ती हुई 7 रन। यहाँ पर देखिए कम से कम अक्सा के सामने आपको टारगेट रखना है 45 से 50 रन, उससे कम होगा तो दिक्कतें आएगी क्योंकि यहाँ पर अक्सा को भी ये मुकाबला जीतना है क्योंकि दो मुकाबले ऑलरेडी हार चुके हैं। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है कि नहीं, और गेंद यहाँ पर देखिए
कैच छुट्टा हुआ और इसके साथ एक चौका भी आता हुआ। इस बार खेलने का प्रयास फिर से एक बार, मिडिल विकेट रिदम ने गेंद जब तक जाए ट्रैवल हो, सिंगल यहां पर पूरा करते हुए सिंगल के साथ अब वो दूसरे के लिए, यहां पर खतरा खतरा खतरा, ये जरूरत नहीं थी, ये गलती है, यहां पर कोई भी जरूरत नहीं थी। इमरान अपना विकेट गंवाते हुए, जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट यहां पर जाता हुआ। रन संख्या बनी है 11, 11, 3 विकेट के नुकसान पर पहली बार बल्लेबाजी करते हुए। बिलाल और एक तरफ राजू, तो एक तरफ राजू ही है। फुल टॉस और इस बार उठा दिया है 6 रनों के लिए, बहुत खूबसूरत छक्का यहां पर आता हुआ और छक्के के साथ रन संख्या अब यहां पर बढ़ती हुई 12 से सीधा 18 रन। ये रन आने चाहिए, ये शॉट आनी चाहिए, प्रहार किसके ऊपर किया है ये भी देखने वाली बात है, राजू भाई के ऊपर। ओहो, मनोबल यहां पर आने वाले गेंदबाज का यदि आपको कमजोर करना है तो राजू भाई के ऊपर प्रहार करना जरूरी है और वो प्रहार आया है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। रन संख्या 18 रन, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है, तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है, 5 ओवर का क्रिकेट हमें देखने को मिलता हुआ। दोनों ही अंपायर हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करते हुए। सामने लहरता हुआ तिरंगा हम देख रहे हैं जो हमारे देश की आन बान और शान है। बहुत ही बढ़िया मैदान इस समय सजाया गया है वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग के लिए। ओहो या ये देखिए नीचे रही, ये एक परेशानी वाली बात हुई है कि बल्लेबाज सोचता है थोड़ा सा उछाल होगा लेकिन गेंद नीचे रह रही है, ये विकेट में थोड़ा सा हम देखोगे तो दिक्कत है बल्लेबाज के लिए। यहां पर आपको थोड़ा संभाल के खेलना है, गेंद नीचे रहेगी, बहुत कम समय हमने देखा कल से कि उछाल लेती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा गेंदें नीचे रहती है। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, ओहो यहां पर देखिए सिंगल की तरफ जाएंगे, पॉइंट की दिशा में जब तक गेंद जाए ट्रैवल हो और यहां पर ओवर खत्म होता हुआ लगभग हम देख रहे तीसरा, 3 ओवर का खेल हुआ है, रन संख्या बनी है यहां पर 19 रन। तो 3 ओवर के बाद हम देखेंगे कि अब आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों के लिए, 12 गेंदों के लिए अब साथी कमेंटेटर तुकाराम सर यहां पर आएंगे। शुक्रिया प्रटा विजय जी, आप देख रहे हैं वापी मुस्लिमा समाज प्रीमियर लीग 2023 ईद कप 2023 का शानदार आयोजन यहाँ किया गया है। इस पूरी टूर्नामेंट का कर्ता कर्ता दिलीप भाई यादव जी, वसीम भाई भोगा जी, ऑर्गेनाइजिंग टीम की पूरी मेहनत लगी है इस टूर्नामेंट को अच्छा करने में। 3 ओवर का खेल यह समाप्त होते हुए और 3 ओवर के बाद 19 पे पहुंची है टीम एमके एंटरप्राइजेस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। 5 ओवर के मुकाबले है, 5 ओवर में आपको लगभग 40 के पार की स्कोर आपको करना था। फुलर लेन अच्छी गेंदबाजी यहाँ करते हुए गेंदबाज अदनान राइट आर्म राउंड द विकेट से आते हुए एक थोड़ा सा एंगल क्रिएट करने की कोशिश अदनान ने की ही, बल्लेबाज नहीं समझ पाए गेंद को और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाके छुपती हुई। अहम मुकाबला है दोनों टीम के लिए, ये थोड़ी सी नीचे रहने वाली गेंद जिसका जिक्र विजय जी ने किया था, थोड़ा सा कम ज्यादा उछाल जो है अनइवन बाउंस जिसे कहेंगे वो है और इस उछाल
और नीचे रहने वाली गेंद से कल भी काफी बल्लेबाजों को परेशान किया था, आज भी वही कहानी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, गेंद बिंदी रूप, फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, खिलाड़ी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तीन खिलाड़ी ने प्रयास किया था, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आए थे, मिड विकेट के खिलाड़ी आए थे, खुद गेंदबाज गए थे, तब तक गेंद या कोई खिलाड़ी नहीं वहां गिरती हुई, दो रन यहां मिलते हुए बल्लेबाज खेल गए। इस दो रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 21-21। इसके बाद के मुकाबला रॉयल स्ट्राइकर और हदिया 11, दोनों टीमों से कप्तान से दरखास्त है, आप तैयार रहिए, रेडी रहिए। रॉयल स्ट्राइकर और हदिया 11 टीम कप्तान, आपसे फिर एक बार दरखास्त होगी, आप रेडी रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में आपसे टॉस होगा दोनों के बीच, और ये मुकाबला दोनों के लिए अहम है, खास करके एमके एंटरप्राइजेस जिन्होंने एक मुकाबला जीता है, इनको और एक मुकाबला जीत के क्वालिफाई की तरफ जाने की कोशिश एमके एंटरप्राइजेस जरूर करेगी, तो अक्सा अपनी साख बचाने की कोशिश में होगी। अब समय के बाहर कीजिए, इन गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई गेंद, जब तक फील्ड करती पॉइंट के खिलाड़ी के पास एक रन लेने का मौका, इस एक रन के साथ 22 पे जा पहुंची टीम एमके इंटरप्राइजेस की टीम। बाईस पे रन संख्या जा पहुंची है, चौथे ओवर का खेल यहां जारी है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर हमारे तरफ मुड़ेंगे, व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाएगा, तो दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला। एक्सल रॉयल जिन्होंने दो मुकाबले गवाए, यहां से एक और मुकाबला जीत के साख बचाने की कोशिश होगी, तो एमके एंटरप्राइजेस एक मैच जीत के क्वालिफाई की दौड़ में शामिल होना चाहेगी। अफसम के बाहर जाती हुई गेंद, जाचा परखा और छोड़ दिया, बिंदी गेंद आती हुई फिर एक बार चौथे ओवर का खेल यहाँ जारी है। इस पूरी टूर्नामेंट को आप यूट्यूब पे घर बैठे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। क्रॉस बैटेड पर थोड़ा सा स्ट्रोक खेला था, गेंद जब तक फील्ड कर पाते दूसरे के लिए दौड़े, खतरनाक साबित हो सकता है, दूसरे के लिए दौड़े, लेकिन रनआउट स्वरूप यहाँ आउट होना होगा बल्लेबाज यहाँ लौटते हुए राजू। खराब कॉलिंग थी, दो रन की मांग थी और दूसरे के लिए दौड़ के चले गए थे, तब तक रनआउट का मौका। चौथे ओवर का खेल यहाँ जारी है और तब तक रन के जा पहुंची है 24-24। जय गुजरात नेटवर्क द्वारा पर यूट्यूब पे इसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हो, आप यूट्यूब पे जाइए, जय गुजरात नेटवर्क सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, पूरी इस टूर्नामेंट की और आने वाले कई ऐसे टूर्नामेंट है जो जय गुजरात नेटवर्क का के द्वारा आप घर बैठे इसका आनंद ले सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। नए बल्लेबाज मुनावर स्ट्राइकर एंड पे, तो गेंदबाज रेडी होते हुए अकीब, आखिरी ओवर का खेल यहा शेष है, गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पे गेंद शॉर्ट फाइन लेग रीजन में जाती हुई, लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ, अब तक बीच बल्ले के बीचों बीच अभी एक भी स्ट्रोक नहीं आया है, एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस देने वाला स्ट्रोक अब तक नहीं दिखाई दिया है, यही वजह है कि उतने रन नहीं बने हैं स्कोरबोर्ड पे। खेलने की कोशिश थी यहाँ, फिर वही कहानी है, बीच बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती हुई गेंद बल्ले के नीचे हिस्से में लगती हुई, मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते एक रन लेने का मौका। इसके बाद का मुकाबला दो टीमें बिल्कुल रेडी रही है, रॉयल स्ट्राइकर और हदिया 11। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, नो बॉल का इशारा, विकेट जिसे कहते हैं पीच, जिसे कहते हैं वो पीच के पूरी बाहर गेंद,
यहाँ गिरती हुई नो बॉल का इशारा यहाँ आता हुआ, दो रन यहाँ अर्जित करते हुए खिलाड़ी। अंदर आती हुई गेंद, गेंद ने थोड़ा सा घुमाव लिया, अंदर आती हुई ऑफ कटर गेंद थी और इस गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। उछाल भी था और उछाल से थोड़े से बिट हो चुके थे बल्लेबाज। बिंदी गेंद, डॉट बॉल आती हुई, आखिरी गेंद, आखिरी ओवर का खेल यहाँ जारी है। पटकी हुई गेंद को, गेंद को पुल किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, अंपायर का इशारा, इट्स अ 4 रन, 4 रन। आखिरी वक्त जितने रन आए उतने आने चाहिए, डगआउट से यही इशारा हो रहा है, जितने भी रन आए अपने टीम के लिए अच्छे, और जितने रन आएंगे फील्डिंग करने वाले टीम के लिए परेशानी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ये रन वापिस बनाने है, इस रनों का पीछा करना है, पीछे आपको भी करना है, पीछा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर नो बॉल का इशारा अंपायर का, या तबा थोड़ा सा ड्रामेटिक ओवर ये साबित हो रहा है, काफी कुछ घटा इस ओवर में, चौका आया है, नो आया है, बहुत कुछ घटा इस ओवर में। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को हवा में खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, नो नो का इशारा हो रहा है, बिल्कुल कल हमने कहा था जैसे आम के आम और गुटलियों के दाम, ये आखिरी ओवर काफी अच्छा साबित हो रहा है, खास करके बैटिंग करने वाली एमके एंटरप्राइजेस टीम के लिए। तो दूसरी तरफ अक्सर रॉयल स्कोर जा पहुंचाया 41, दो गेंदों का खेल या शेष है, आखिरी ओवर यह प्रगति पर है और इस ओवर में अब तक 17 रन आए हैं। दो गेंदों का खेल यह शेष है, जितने रन 4 ओवर में नहीं बने उतने रन आखिरी ओवर में बन रहे, यहां से कमबैक करती हुई टीम एमके एंटरप्राइजेस की टीम। इस बार फिर एक बार उड़ाया है, गेंद है हवा में, खिलाड़ी किस के ऊपर से गेंद जा रही, तब तक 2 रन लेने का मौका यहां मिलता हुआ, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज यहाँ बिलाल, बिलाल बिलाल के अच्छे बल्लेबाजी, इसीलिए टीम का हाल अब काफी तंदुरुस्त होता हुआ एमके एंटरप्राइजेस। आखिरी गेंद या शेष, रन संख्या 43, 43। गेंद को खेला है मिड विकेट के खिलाड़ी के, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग, खिलाड़ी थे वहां और इन्होंने बिल्कुल रन बचाया है टीम के लिए, अहम रोल रन बचाया है टीम के लिए, जहां शायद ये चौका हो सकता था, वहां सिर्फ 1 रन मिलती हुई उस एक रन के साथ रन से क्या जा पहुंची 44-45 का पीछा करना है टीम अक्सर रॉयल। बिल्कुल आपको रॉयल की तरह खेलना है तो एमके एंटरप्राइजेस यहां से मैच जीत के आपको क्वालिफाई की तरफ जाना है, देखिए क्वालिफाई हो पाती है या अक्सर रॉयल रॉयल की तरह खेल जाएगी। ये पूरी टूर्नामेंट ऑफिशियल्स अंपायर देखते, लियो सर है, दूसरी तरफ परेश पटेल जी है, समीर पठान जी है, और इस टूर्नामेंट पूरी टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता एक तरफ दिलीप भाई यादव जी, दूसरी तरफ वसीम भाई बोगा, पूरी ईद कप 2003 के ऑर्गेनाइजिंग टीम में मुसा खान, रिजवान शेख, इमरान शेख, साजिद शेख यानी बाबू भाई, ये सभी की मेहनत है और इस टूर्नामेंट के लिए काफी जो इनाम भी है, खास करके ट्रॉफीज, ट्रॉफी स्पॉन्सर्स पूरी टूर्नामेंट के लिए है, ट्रॉफी स्पॉन्सर्स है इज्जू भाई शेख, इनके द्वारा ट्रॉफी स्पॉन्सर की गई है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो इनाम है वो बिंटे टक्कर जी इनके द्वारा आया हुआ है, उसके बाद बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर इनके लिए एयर कूलर है, फारूक भाई की तरफ से एयर कूलर है, और हर एक मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वो मैन ऑफ द मैच, हर एक मैच में एक पिलो है, जो ट्रॉफिट्स अजीम भाई की तरफ से एक पिलो है, ए टू जेड मंसूर भाई की तरफ से गिफ्ट और ट्रॉफी है, और उसके बाद जुनेद भाई की तरफ से एक गिफ्ट होगा हर एक मैन ऑफ द मैच के लिए। इस पूरी टूर्नामेंट के लिए सपोर्टेड बाय गुडलक क्रेन, रिजवान पटेल जी, अपना पार्टी प्लॉट्स कलीम खान जिनके द्वारा बॉल प्रोवाइड्स किए गए,
दूसरी तरफ अक्ष ट्रेडर्स पप्पू भाई, इन सभी का योगदान इस पूरी टूर्नामेंट के आयोजन में लगा हुआ है। इस सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक्स ऑल ऑफ द स्पॉन्सर्स एंड ऑल ऑफ द सपोर्टर्स। वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह घमासान और आज ये ग्रैंड फिनाले का दिन है। आज इस टूर्नामेंट का सीजन 2 का विजेता कौन होगा, कौन ये चमचमदार ट्रॉफी को लेके जाएगा, इसका फैसला होने वाला है। 45 का पीछा करना है टीम यहाँ अक्सर रॉयल के टीले, दो टीम कैप्टन कप्तान, चलिए रॉयल स्ट्राइकर और हदिया इलेवन, रॉयल स्ट्राइकर और हदिया इलेवन के कप्तान से गुजारिश है, आप आइए। पैतालीस रनों का पीछा करने टीम यह उतरी है। दोनों सलामी प्रारंभिक बल्लेबाज, एक तरफ राजू भाई है, दूसरी तरफ साकिब, और पहले गेंदबाजी करेंगे यहाँ साजिद भाई यानी बाबू भाई। 45 का लक्ष्य है, 5 ओवर में 45 से बनाने हैं, 30 गेंदों का खेल है, 45 का लक्ष्य है, 9 के औसत से आपको रन बनाने हैं। इस 9 के औसत से किस तरह से गेंद बनते हैं, अंपायर की तरफ से इशारा, लेट्स प्ले। पहली गेंद को खेला है हवा में, गेंद काफी देर का हवा में, लेकिन गेंद आउट ऑफ द पार्क, पहले गेंद में स्वैग से स्वागत, क्या शुरुआत की है राजू भाई ने। कल का दिन कुछ अलग था, आज कुछ ना, मन में नया ठान क्या है राजू भाई, अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद गेंदबाजी करते हुए जो कॉन्फिडेंस आया है, जो आत्मविश्वास बढ़ा है राजू भाई का, वो पूरा दिखाई दे रहा है फिर एक बार बल्लेबाजों में। पहली गेंद पे सिक्सर आया है, पहले गेंद पे जस्ट हुक लगाते हुए यहाँ बल्लेबाज, इस बार सीधा, बिल्कुल सीधा, तीर की तरह सीधा खेला है, पहले सिक्सर फिर चौका, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया, काफी अच्छी बल्लेबाजी। ग्राउंड्समैन मंगा भाई, ग्राउंड्समैन मंगा भाई, आप जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स में आइए, ग्राउंड्समैन, ग्राउंड्समैन मंगा भाई, आप जहां कहीं हो आप कमेंट्री बॉक्स में आइए। क्या शुरुआत हुई है, धमाकेदार शुरुआत, अंदर आती हुई गेंद बाय से गेंदबाजी करते हुए बाबू भाई, पहले दो गेंदे थोड़ी सी ऊपर खिलाई थी, स्लॉट में थी, इसके लिए जाके गिरी, प्लॉट में गिरी है, पहले तीन गेंदों का खेल यहाँ पूरा होते हुए, पहले गेंद पे सिक्सर, उसके बाद में चौका आता हुआ, 45 का पीछा करने उतरी टीम अक्सर रॉयल, ये नीचे नीचे स्विप करना चाहते थे, स्लॉप स्विप करना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी, यहाँ वापसी का बिगुला बाबू भाई ने भी बजा दिया, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी उन्हें भी करनी है, यहाँ से एक विकेट, खास करके राजू भाई का एक विकेट, फिर एक बार मैच में वापिस लाया गया, लेकिन राजू भाई भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा यहां अंपायर से होता हुआ, काफी दूर खिलाने की कोशिश बल्लेबाज से, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से काफी दूर खिलाने की कोशिश यहां साजिद भाई ने की थी, वाइड बॉल का इशारा, रन संख्या 1 से बढ़कर 11, कट करने की कोशिश थी, बाहरी किनारा, गेंद जब तक शॉर्ट थर्ड मैन तक फील्ड कर पाते तब तक एक रन लेने का मौका, और टीम एमके इंटरप्राइजेस के लिए यह लड़ाई काफी अहम होगी, ये तो कगार पे है, वो उस द्वार पे खड़े हैं, वहां से वो सेमीफाइनल का रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अक्सर रॉयल एक बड़ा धमाका करने की कोशिश में है, यहां जीत अर्जित करने की कोशिश अक्सर रॉयल भी जरूर करेगी। अब तक पहले ओवर का खेल यहां जारी है, नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे होते हुए साकिब, दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी राजू भाई भी कर रहे हैं, एक सिक्सर एक चौका अब तक इस इनिंग में आता हुआ, नीचे नीचे रहती हुई गेंद, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग या मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, पहले ओवर का खेल या समाप्त होते हुए 45 का पीछा करती हुई टीम अक्सा रॉयल की टीम जा पहुंची है 12 के स्कोर पे, या इक्वेशन देखेंगे यहाँ 24 गेंदों का खेल या शेष है और 33 रन अब तक बनाने हैं।
45 का पीछा करना है और 24 गेंदे और 33 रन। पहले ओवर का खेल यह समाप्त होते वक्त पहले ओवर में जब रन बने हैं 12, दो कप्तान चले हैं, दोनों कप्तान से फिर एक बार गुजारिश होगी। रॉयल स्ट्राइकर और हदिया 11, दोनों कप्तान हदिया 11 और रॉयल स्ट्राइकर, उसके बाद का मुकाबला सद्दाम 11 और मिड स्ट्राइकर, जो लीग स्टेज के मुकाबले बाकी है ये, इसके बाद के दो लीग स्टेज के मुकाबले हो गए। रॉयल स्ट्राइकर हदिया 11 और सद्दाम और मिड स्ट्राइकर, ये लीग स्टेज के दो मुकाबले इसके बाद खेले जाएंगे। गेंदबाज इमरान, अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल मिलता हुआ, गुड लेंथ से गेंद थोड़ी सी ऊंची आती भी, गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, राजू भाई बीट करती हुई ने गेंद की विकेट के पर के दस्तानों में जाके चुपती हुई। अच्छी गेंदबाजी कल इमरान द्वारा हमने देखी थी, आज भी उन्हें इसी तरह से गेंदबाजी करनी है, अनुशासन वाली गेंदबाजी और विकेट लेने वाली गेंदबाजी आपको करनी है। गेंद के गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, चेंज ऑफ पेस जिसे कहेंगे, पेस थोड़ा सा कम किया था, गति परिवर्तन किया था, वहां से एक रन यहां मिलता हुआ, उस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 13। रॉयल स्ट्राइकर और हदिया 11, जब कप्तान आएंगे तो दीपोवा है इनको हाथों से, हाँ टॉस होगा। रॉयल स्ट्राइकर और हदिया 11, ये दोनों टीम के कप्तान से फिर एक बार विनती है, आप आइए टॉस के लिए आइए। फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। फुल टॉस नहीं लॉस करेंगे, फुल टॉस गेंद थी, या संतुलन नहीं था, गेंद जहां अगले वाली गेंद थी, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया था, इस तरह से कटर गेंद डालने की कोशिश की थी इमरान, लेकिन फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा सकीब उठाते हुए स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, वो खिलाड़ी थे लेकिन वो रह गए हक्का बक्का, क्योंकि उनके सर के ऊपर से एक शानदार सिक्सर छक्का आता हुआ, रन संख्या जा पहुंची यहाँ से इस 6 रन के साथ जा पहुंची 19। 45 रनों का पीछा करने उतरी टीम यहाँ अक्सर रॉयल की टीम। इसको पुल किया है, पुल पावरफुल वंडरफुल एंड अगेन सक्सेसफुल सिक्सर, 6 रन लगातार, दो गेंदों में दो धमाके, इसलिए हमने कहा था अक्सर रॉयल की टीम रॉयल की तरह खेलेगी, जब नाम में रॉयल है तो रॉयल खेलेगी, लेकिन एमके एंटरप्राइजेस के लिए यहाँ अब खतरे की घंटी बज चुकी है। ये दो स्ट्रोक से रन संख्या जा पहुंची 25 25, अब 20 रन और बनाने हैं। 45 का पीछा करने उतरी टीम अक्सर रॉयल की टीम, और रॉयल की तरफ बल्लेबाजी कर रही है तो दूसरी तरफ एमके एंटरप्राइजेस, खास करके इमरान भाई को अच्छी गेंदबाजी आपको करनी है, अहम गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज है इमरान, और लाइन देन लेन तो थोड़ी से भूल चुके हैं, यहाँ खराब गेंदबाजी यहाँ होते हुए, और जब उनके ऊपर हमला किया गया शकीब, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये अटैक नहीं था, ये काउंटर अटैक था, ये हल्ला नहीं था, ये तो किया गया फिर एक बार काउंटर अटैक सकी बाय द्वारा करता हुआ, रन संख्या जा पहुंची 26 26। स्ट्राइकर इंडिया सीधा खेला है, बिल्कुल जिस तरह से राजू भाई ने खेला था उसी तरह, ये बड़ी ओर बड़ा ओर आता हुआ सीधा तीर की तमाना, साइड स्क्रीन की तरह खेला है, तरफ खेला है गेंद को बॉन्ड लाइन के बाहर, वन बाउंस इनटू द फेंस, चौका सीधा फुल फेस ऑफ द बैट, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए वहां बल्लेबाज आते हुए, यहाँ टॉस होता हुआ दीपू भाई है तो उनके हाथों से यहाँ टॉस होगा। टॉस जीता है रॉयल स्ट्राइकर, रॉयल स्ट्राइकर ने टॉस को जीता है, बिल्कुल आप फैसला भी बताइए रॉयल स्ट्राइकर, थोड़े 2 मिनट बाद आप अपना फैसला बताएं। अच्छी बल्लेबाजी सकीब, बिल्कुल सकीब की लकीब हम देख रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सीधे खेल रहे हैं, खराब गेंदों का अच्छा इस्तेमाल सकीब कर रहे हैं। 45
पे लगती हुई गेंद शॉट फाइन लेगा, क्षेत्र में जाती हुई लेग बाय का इशारा अंपायर से आता हुआ दूसरे ओवर का खेल यहां समाप्त होते। 2 ओवर के बाद रन संख्या 31 31। अब 18 गेंदों का खेल शेष है, 14 रनों का बड़ा ओवर। जिस तरह से पांचों ओवर घटा था ना उसी तरह ये 19 रन का ओवर आया है जिसमें 2 सिक्सर आए हैं, 1 चौका आया और काफी अच्छे बल्लेबाजी साकिब द्वारा। 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 31 31। अब 18 गेंदे शेष है और यहाँ 14 रन और बनाने हैं। 18 डिलीवरी रिमेनिंग एंड 14 रन रिक्वायर्ड। वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग 2023 का ये शानदार आयोजन ईद कप 2023। गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए पैर को चुती हुई गेंद जा रही, जब तक पॉइंट के खिलाड़ी आते तब तक 1 रन लेने का मौका। लेग बाइस के द्वारा यहाँ 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची ही 32। क्लोरफुल टॉस गेंद को ड्राइव किया है, जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी आएंगे। अब तो राजू भाई भी जानते हैं कि राजू भाई ने अच्छी बल्लेबाजी की, उनकी साथ बखूबी निभा रहे हैं शकीब। इसे कहते हैं कि सारे साथी काम के सबका अपना मोल और जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। इस बार अनमोल बल्लेबाजी कर रहे हैं शकीब। पटकी हुई गेंद थी बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा हो गया काम तमाम, विकेट का यह पतन होता है। पहले विकेट गंवाती हुई लेकिन अच्छी साझेदारी दोनों के बीच, शाकिब ने अच्छी इनिंग के लिए अच्छी बल्लेबाजी शाकिब द्वारा होती हुई और विकेट टेकिंग गेंदबाज बने हैं यहाँ गेंदबाज शब्बीर, जिस विकेट की तलाश थी लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहाँ करते हुए आउट होके पवेलियन की तरफ जाते हुए शाकिब। जिस तरह से राजू भाई का साथ आपको निभाना था उस तरह से बल्लेबाजी शाकिब ने की है, क्या ये विकेट फिर एक बार वापसी कर पाएगा एमके इंटरप्राइजेस के लिए? क्या ये विकेट्स फिर एक बार एमके इंटरप्राइजेस के लिए राहत की सांस लेगा, इस मैच में कमबैक करने की अब फिर एक बार मौका देगा? या जिस तरह से बल्लेबाजी साकिब ने की है, राजू भाई दूसरी तरफ है, बाकी के बल्लेबाज आसानी से इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 के बल्लेबाज आते हुए कासिम, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने उतरे बल्लेबाज यहाँ कासिम, लेकिन शब्बीर है, शब्बीर भी जानते हैं यहाँ विकेट की अहमियत को, जानते हैं यहाँ अगर गुच्छे में विकेट मिलेंगे 2 या 3 विकेट अगर लेते हैं तो फिर एक बार मैच में पलटवार आएगा। पलटवार के लिए एमके एंटरप्राइजेस भी रेडी है लेकिन दूसरी तरफ एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है राजू भाई, वहां जानते हैं ऐसे सिचुएशन में कैसे खेलना है, ऐसी परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालना है वो भी जानते हैं। काफी कुछ हो रहा है, चर्चा हो रही है किस तरह से फिल्म की सजावट की जाए। ऑफसाइड की तरफ शॉट, थर्ड मैन पॉइंट है, डीप कवर पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट के खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के खिलाड़ी तैनात। यह होते हुए नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे कासिम, अंदर आती हुई गेंद, नीचे रहते हुए गेंद, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे राजू भाई और यहाँ विकेट गवाते हुए रन आउट। कासिम भाई को लौटना होगा, कासिम भाई आए और कासिम भाई चले गए, इतना ही फर्क था। वाय नीचे अंदर आती हुई गेंद, नीचे रहती हुई थोड़ी सी गेंद, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे राजू भाई। एक एक विकेट से दबाव बढ़ेगा नए आने वाले बल्लेबाज के ऊपर, यही करना चाहती थी एमके इंटरप्राइजेस की टीम। जिस तरह जैसे दबाव आएगा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा होगा, मनोबल जब बढ़ेगा, मनोबल बढ़ने वाली टीम थोड़ी सी आगे जाएगी। अब यहां से मैच कोशिश तो एमके इंटरप्राइजेस भी कर रही है, वो भी आसानी से इस मैच को नहीं जाने देंगे, इस मैच को आसानी से नहीं जाने देंगे। हवा में गेंद, रिजवान गेंद के नीचे ले लिया कैच, बड़ा विकेट, बिग ब्लो, जोर का झटका जोर से लगा है, बड़ा विकेट राजू भाई का, बड़ा विकेट ये हासिल करते हुए गेंदबाज शब्बीर बिल्कुल जी जान लगा रहे हैं और ऐसे मैच में जान फूंक दी है। पहले विकेट पे कॉट भी है और दूसरे गेंद पे बाहर रन आउट और तीसरे इस गेंद पे सीधा बाहर। रिजवान थे, रिजवान कोई गलती नहीं करेंगे और आसानी से रिजवाना
इन्होंने कैच को लपक लिया है। अब यहां से 15 गेंदों का खेल शेष है, 14 की लास्ट आखिरी गेंद, अंदर आती भी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, रन संख्या जा पहुंची 33-33, अच्छी गेंदबाजी, शब्बीर ने वापसी का बिगुल बजा दिया है, अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में सिर्फ 2 रन आया है। अब 12 गेंदे शेष है और 12 की दरकार है, 12-12 मैच का 12 थोड़ा सा चढ़ा हुआ है और उस वक्त का कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करेंगे, विजय भाई भी हमसे जुड़ जाएंगे क्योंकि मैच काफी रोमांच है। एक तरफ अक्षर रॉयल है जो अपनी साख को बचाने की कोशिश करेगी, यहां से एक अर्जित जीत करके पॉइंट टेबल में अपना खाता खुलवाना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ एमके एंटरप्राइजेस है, यहां से जीत के उस सेमीफाइनल की राह तक पहुंचने का रास्ता वो भी ढूंढना चाहेंगे, तो मैच काफी अहम है विजय भाई। हाँ निश्चित, यहाँ पर देखिए मुकाबला अभी भी ऑन है, 12 गेंदे और 12 की दरकार है। और 12 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ पर देखिए अब बहुत ही अच्छा मुकाबला इस समय चलता हुआ, ओह हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब क्या होगा बाबू भाई। यहाँ पर इमरान ने बहुत मार खाया, यहाँ पर 3 छक्के इमरान ने दिए हैं और उसकी बदौलत यहाँ पर देखेंगे तो अब साजिश शेख बाबू भाई यहाँ पर और इमरान खराब गेंदबाजी जरूर की थी। ओहो पहली गेंद नीचे रही यहां पर, अब दबाओ दबाओ, 11 गेंदे और 12 की दरकार, एक एक गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी छोटे क्रिकेट के लिए। अब मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन मतलब पहले 3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफ का जा रहा है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी उस गेंदबाज ने की है तारीफ करनी होगी शब्बीर ने, क्या कमाल की, जहां पर राजू भाई का भी विकेट लिया, बेहतरीन खिलाड़ी जो अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था उसका विकेट लिया। अब देखो यहां पर उम्मीदें बड़ी हुई है और बाबू भाई जो आसानी से रन करने नहीं देंगे, ये दोनों तरफ घुमाते हैं गेंद को, क्षमता इनके पास बहुत है। ओ गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, खिलाड़ी मौजूद है, ओ यहां पर कर दी गलती, कर दी गलती, रनआउट का मौका और यहां पर देखिए कैच कैच। देखो यहाँ पर चर्चा जरूर है कि देखो अब कैच तो छूटा है लेकिन विकेट भी गिरा है बीच में। बिल्कुल, लेकिन विजय जी जिस तरह से चर्चा हो रही है ना, चर्चा इस बात पे हुई है, विकेट तो मिला है लेकिन इस तरह से विकेट नहीं चाहते थे, यहाँ पे साजिद भाई वो कॉट का विकेट चाहते थे, कैच का विकेट चाहते थे, वह कैच छूटा, 1 रन बना है, 1 विकेट जरूर गवाया है टीम रॉयल अक्सर रॉयल के टीम में। अब ये मैच दोनों तरफ जा सकता है, दोनों तरफ बिल्कुल 50-50 वाला मामला है, 50-50 बिग सीट वाला ये मामला यहाँ होता हुआ, और जैसा खट्टा मीठा होगा ना ऐसा मैच ये मुकाबला चल रहा है, ये मुकाबला दोनों तरफ जा सकता है, कभी इधर वाला कभी उधर वाला खेल है, कभी इस जगह कभी उस तरह जाने वाला ये खेल दिखाई दे रहा है। हाँ निश्चित, यहाँ पर देखिए तो अभी भी थोड़ी सी फील्ड वापिस सजा गई है और हर रन के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात वो है कि भाई रन आ नहीं रहे और रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए ये मुकाबला ये क्रिकेट है और इसीलिए क्रिकेट कब कौन सा रंग लेगा किसी को पता नहीं है। बाबू भाई की अगली गेंद, इस बार नीचे रही, इमरान गलती कर रहे, इमरान वहां पर गलती करते हुए और यहां पर देखिए विकेट, फिर से एक बार इमरान ने गलती की है लेकिन यहाँ पर बाबू भाई गलती नहीं करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, और ये प्रेशर वाला खेल है, ये दबाव वाला खेल है, दबाव में है, जैसे कहते हैं ना कई लोग बिखरते हैं तो कई लोग निखरते भी है, यहाँ निखरने का मौका दोनों तरफ है, दिमाग के बत्ती को जलाए रखना है, इमरान यही कहना चाहते थे, यहाँ से मैच दोनों तरफ घुमा ले सकता है, दोनों तरफ दोनों तरफ ये घुमाव ले सकता है। अच्छे बल्लेबाजी जहां साकिब ने की थी, राजू भाई ने की थी, उसके बाद वो विकेट्स, खास करके साकिब का विकेट जो रनआउट के स्वरूप बाद हुए ना, आउट हुए ना, वहां से मैच में पूरी तरह दूसरी जगह टर्न लिया है। देखो भाई तब रियाज मैदान में आते हुए और रियाज के पास भी क्षमता है, सुप्रीमो खेल चुके हैं, सुप्रीमो के खिलाड़ी है रियाज,
अगली गेंद बाबू भाई यहाँ पर देखिए सिंगल जरूर मिलता हुआ खिलाड़ी दौड़ते हुए और अब रियाज के ऊपर, रियाज को जो भी करना है वो अभी करना पड़ेगा। 8 गेंदे और 10 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 गेंदों का खेल बाकी है। आठ गेंदे और 10 रनों की जरूरत। यहाँ पर बैठे हुए किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह रोमांचक मुकाबला होगा, इसीलिए कहते हैं क्रिकेट का खेल आदमी का समय बदलने में टाइम नहीं लगता है। हल्के हाथों से डाला है, यहाँ पर रियाज को घुमा दिया है बाबू भाई ने, गेम घुमा दिया है। तो कर 7 गेंदे और अब 10 रन चाहिए। 7 गेंदों का खेल शेष है, 10 रनों की आवश्यकता है। अच्छी बल्लेबाजी आपको भी करनी, अक्सर रॉयल अब तक रॉयल की तरह बल्लेबाजी करी थी लेकिन पूरी तरह इस 10-11 गेंदों में गेम पूरी तरह चेंज हुआ है। खेल बदला है, खेलने का रंग बदला है, खेलने का ढंग भी बदला है, मैच का रुख भी बदला है, रुख बदला है, सब कुछ बदला है, माहौल भी बदला है, माहौल बदला है। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ आते हुए विजय जी, माहौल बदला है और अब दोनों तरफ दोनों डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा है। अब कोई खुशी नहीं मनाना चाहता, सबके हाथ थोड़े से मुंह में गए, नाखून चबाने वाला ये मुकाबला है। ओ फिर से एक बार वापसी, फिर से एक बार वापसी। अब 6 गेंदे और 9 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 गेंदे और 9 रन, मुझे लगता है जाए तो देखिए चर्चा जारी है कौन गेंदबाजी करेगा और गेंदबाजी के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। चर्चा अभी भी जारी है कौन गेंदबाजी करेगा आखिरी ओवर के लिए, यहाँ पर आमंत्रित किया है। देखो इमरान की तरफ नहीं गए बाबू भाई, इमरान की तरफ नहीं गए, दो ओवर डाला है। या तो अब नए गेंदबाज आए हैं मुनावर। अब मुनावर क्या करेंगे, 6 गेंदे और 9 रनों की दरकार है। 6 गेंदे और इस मुकाबले को जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। मुनावर अब देखिए किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। मुनावर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है, देखना होगा। बहुत ही अच्छा मुकाबला इस समय चलता हुआ शाम के सत्र में। ओ पहली गेंद यहां पर पैरों के ऊपर जाके गिरी है, पैरों को जाके टकराई है। अब 5 गेंदे और 9 रन। बिल्कुल, पिछले 13 गेंदों में रन कहाँ है, 12 गेंदों में 31 आए थे, पिछले 13 गेंदों में वहां 5 रन आए। अदनान है और अदनान समय जी का गाना भी है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। बिल्कुल ये गाने की जरूरत है, लेकिन गेंदबाज भी तैयार है, मुनावर है, जानते हैं जिस तरह से गेंदबाजी शबीर भाई ने की थी, बाबू भाई ने की थी, अब अनुशासन वाली, ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाइन टू लाइन गेंदबाजी करनी है, यही बताते हुए वहां बाबू भाई कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखते अदनान, अदनान क्या कुछ का अलग कर पाते हैं। अदनान 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 वो विकेट जो रनआउट का विकेट गया वहां से खेल बदला है। अच्छी साझेदारी पनप रही थी साकिब और दूसरे राजू भाई की और उस विकेट ने पूरी तरह मैच को टर्न कर दिया। नहीं यहाँ पर और एक बात है, राजू भाई को भी थोड़ा सा संभाल के खेलना था, राजू भाई का जो विकेट गया है वो वहां से किधर ना किधर मनोबल टूटा हुआ है। बड़ा हिट करने की कोशिश कर रहे थे राजू भाई जब उस समय जरूरत नहीं थी, और आपका विकेट जब जाता है तो देखो विकेट गुच्छे में गिर जाते हैं। अगली गेंद इस बार उठा के खेला, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद और यहां पर विकेट। अब मुकाबला पूरी तरह फंस चुका है, अब लगभग जीत के कगार तक आ गई है यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम। बिल्कुल एम के अंदर भाई, इसीलिए हमने कहा था शाकिब अच्छे खेले थे, शाकिब आउट हुए कॉट बिहाइंड, उसके बाद में रन आउट हुए बल्लेबाज और वहां से एक विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा है। और एम के अंदर भाई जिसने आखिर तक इस मुकाबले को जाने नहीं दिया, इसलिए हमने कहा था कि अनुभव काफी अहम होता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर जिसे कहते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस वहां दिखाना था, अनुभव जहां दिखाना था वही दिखाया था। दो गेंद खेल, गेंद को खेला है, गेंद वहां क्या है छूटता हुआ, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ करती हुई टीम ने। अब आखिरी गेंद शेष है, रन संख्या जा पहुंची है 37,
एक गेंद में 8 बने हैं, इसके पहले बने हैं, काफी कुछ टेनिस क्रिकेट में हुआ है विजय जी, देखते हैं अभी इस मुकाबले में कुछ अलग होता है क्या। हाँ, यहाँ पर एक गेंद और अब 8 रनों की जरूरत, लगभग मुकाबला जीत लिया यहाँ पर फील्डिंग करने वाले टीम ने, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद के ऊपर किया है प्रहार लालू, हो यहाँ पर बाबू भाई ने कैच पकड़ लिया है। 1513 5313 जो गाड़ी है किसी की, मारुति कार, प्लीज वो निकालना है, वहां पे दिक्कत आ रही है दूसरी गाड़ी निकालने के लिए। 5313 मारुति कार जिसकी है, कार कार अबिदुल्ला सर, 5313 आपकी है क्या, उसी की है क्या? 5313 अबिदुल्ला सर।